गाइस, वेलकम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं हूँ यूट्यूबर साधना सोनी, हैप्पी विद सिंपल लाइफ। और कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और मैं भी बहुत अच्छे से हूँ। और आज है 1 अप्रैल और आप सभी को 1 अप्रैल की तहे दिल से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं और शुभ अप्रैल फूल। आज मैं आप लोगों से बहुत ढेर सारी बातें करने वाली हूँ। तो मैं बहुत दिनों से मतलब सोच रही थी इस टॉपिक पे आप लोगों से बात करूं, बहुत दिनों से सोच रही थी बट मुझे नहीं मिल रहा था टाइम। तो अभी मैं सारी बातें आपसे करने वाली हूँ और बताऊंगी। और आज क्या है कि मैं यहाँ पे एक नोटबुक लेके बैठी हूँ और आपको लग रहा है इसमें आपको नजर आ रहा होगा कुछ लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे 4 पॉइंट्स मैंने लिखे हैं। तो उस पॉइंट्स पे मैं आप लोगों से आज बात करने वाली हूँ। एक्चुअली कई बार क्या होता है कि हम आपसे बात करते हैं, ठीक है, और जो हमको आप तक पहुँचानी होती है बात, वो बातें रह जाती हैं। मीन्स जिस पॉइंट पे हमको आपसे बात करना है वो पॉइंट्स रह जाते हैं, बाकी सारी बातें हो जाती हैं, ठीक है। तो जिस पॉइंट पे मैं बात करना चाहती हूँ वो पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं और मैं उस पॉइंट्स पे आप लोगों से बात करूंगी और जो भी ये सारी चीजें क्लियर करने वाली हूँ, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे अपना वीडियो मैं स्टार्ट कर लेती हूँ, ज्यादा टाइम नहीं लूंगी आप लोग का। तो प्लीज आज की वीडियो को फुल वॉच करना, कुछ भी स्किप मत करना, फुल वॉच करना। और पसंद आए तो लाइक छाप देना और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो चलो मैं अपना वीडियो जो स्टार्ट करती हूँ। और इस विषय में मुझे बात बहुत दिनों से करनी थी और बहुत दिनों से मेरे पास मैसेजेस आ रहे थे और जो लोग मुझे पर्सनल जानते हैं, ठीक है, तो वो मुझसे ऐसे ही पूछ ले रहे थे। तो मतलब बहुत ढेर सारे क्वेश्चन थे, उस विषय पे मैं आप लोगों से बात करने वाली हूँ, ठीक है। तो चलो मैं अपने पॉइंट से देखिए यहाँ पर लिख के बैठी हूँ 1 2 3 4, ठीक है, 4 पॉइंट्स हैं, सारी चीजें क्लियर कर दूंगी मैं। तो चलिए सबसे पहला पॉइंट मैं अपना यहाँ से उठाती हूँ और आपको बताती हूँ कि मेरा पहला पॉइंट क्या है। तो बहुत से लोग मुझे सवाल कर रहे हैं और बहुत से लोग मुझे मैसेजेस के द्वारा पूछ रहे हैं और कमेंट्स के द्वारा पूछ रहे हैं और जो पर्सनल जानते हैं वो भी पूछ रहे हैं। तो पहला सवाल ये है कि व्लॉगिंग बंद कर दी, ठीक है। तो लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि मैंने व्लॉगिंग बंद कर दी, ये पूछ रहे हैं। तो मैं इस विषय पर आपको बताऊंगी मैंने व्लॉगिंग बंद की है या नहीं, ठीक है। और दूसरा है क्या होगा मेरे चैनल का, है ना, मेरे चैनल का क्या होगा, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट ये है डेली व्लॉग क्यों नहीं आ रहे, ठीक है। जैसे कि आप लोग जानते हैं जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं, जो मेरी पुरानी फैमिली है, वो मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं क्योंकि मेरे पहले डेली रियल लाइफ व्लॉग आते थे, ठीक है, बट अभी नहीं आ रहे। उन सारी चीजों के कारण मैं इस वीडियो में सब चीजें क्लियर कर दूंगी। और जो चौथा पॉइंट है वो मेन पॉइंट है, जो ऊपर के 3 सवाल है, ये चौथा सवाल जो सबसे ज्यादा जरूरी है और वो है प्रॉब्लम क्या है, है ना। तो प्रॉब्लम क्या हो रही है मुझे, ये भी मैं आपको बताऊंगी, सारी चीजें क्लियर कर दूंगी। तो यहाँ पे सारी चीजें क्लियर करती हूँ आप लोगों के साथ, ठीक है। सो गाइस, पहला जो मैंने आप लोगों को बताया अपना पॉइंट व्लॉगिंग बंद कर दी, तो ऐसा नहीं है गाइस, मैंने व्लॉगिंग बंद नहीं की है। तो बहुत से लोग मुझे पूछ रहे कि दीदी आपके व्लॉग क्यों नहीं आ रहे, आपने व्लॉगिंग बंद कर दी, तो ऐसा नहीं है, मैंने व्लॉगिंग बंद नहीं की है और मैं व्लॉग करूंगी। और चाहे मुझे सक्सेस मिले, है ना, चाहे ना मिले, लेकिन मैं व्लॉगिंग करती रहूंगी आप लोग के लिए, अपने डेली रियल लाइफ व्लॉग बनाती रहूंगी। सबसे पहला सवाल ये है कि जो लोग मुझसे बहुत ज्यादा पूछ रहे हैं, पर्सनल भी पूछते हैं और मैसेजेस में भी पूछते हैं कि मैंने व्लॉगिंग बंद कर दी, है ना, तो ये मैं आपका डाउट क्लियर कर देती हूँ। व्लॉगिंग मैंने बंद नहीं की है और मैं हमेशा व्लॉगिंग करती रहूंगी। मैं आप लोगों को ये भी बता दूं, मैं व्लॉगिंग करती रहूंगी, मैंने व्लॉगिंग करना नहीं छोड़ा, ठीक है। क्या होगा मेरे चैनल का, है ना, और मेरा चैनल एक दिन जरूर ग्रो करेगा, ठीक है। आप लोग का प्यार मिलता रहा, सपोर्ट मिलता रहा, तो चैनल ग्रो करेगा, ठीक है। तो ये भी चीज मैंने क्लियर कर दी, डेली व्लॉग क्यों नहीं आ रहे, तो ये मैं आपको थोड़ा सीरियस होके बताना चाहूंगी
कि मेरे डेली ब्लॉग क्यों नहीं आ रहे थे। सो मेरे को थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, ठीक है, और प्रॉब्लम थोड़ी नहीं थी, बहुत थी। सबसे पहली बात क्या होता है कि टाइम मैनेज होना, ठीक है। अगर टाइम मैनेज हो रहा होता है, सारी चीजें बहुत अच्छे से होती रहती हैं अगर आपका टाइम मैनेज होता है। अगर वहीं पे आपका टाइम मैनेज नहीं होता तो आप कुछ भी कर लो, चीजें अस्त व्यस्त हो जाती हैं। तो वही चीजें मेरे साथ हो रही थी और मेरा टाइम मैनेज नहीं हो रहा था। आप लोगों ने देखा मेरे जो वीडियोस थे, जो मेरे मैंने इससे पहले जो भी व्लॉग जो आप लोग देख लीजिए, जिन्होंने नहीं देखे मैं उनको बोल रही हूँ, और जिन्होंने देख रखे हैं तो अच्छी बात है। सो जिन्होंने नहीं देखे आप लोग चेक कीजिएगा जाके मेरे चैनल पे, वीडियोस बहुत पुरानी पुरानी है और जो मैंने शूट करके रखी, बट टाइम पे मैं उन्हें पोस्ट नहीं कर पाई। वजह सिर्फ टाइम मैनेज नहीं हो रहा था, एडिटिंग का समय नहीं मिल रहा था, ठीक है। समय नहीं मिलता है तो फिर ऐसे ही होता है। तो अभी मेरे पास टाइम ही टाइम है। पहले क्या था, मैं बिजी हो गई थी बहुत ज़्यादा, बहुत सी चीज़ें थी, है ना, तो उन सारी चीज़ों में बिजी हो गई थी। और सो बहुत टाइम मेरा निकल गया इन चीज़ों में, और बहुत से दोस्त मेरे छूट गए, और बहुत सारी बातें हैं जो नहीं कर सकती, है ना। तो बस यही है, डेली जो व्लॉग मेरे नहीं आ रहे थे तो मैंने उस सवाल का जवाब दे दिया, टाइम मैनेज नहीं हो रहा था इस वजह से। और बिल्कुल भी नहीं, मैं शूट करने का मेरे को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था कि मैं व्लॉगिंग स्टार्ट करूं और जैसे मैं करती थी हमेशा करूं, नहीं टाइम मिल रहा था। और जो टाइम मिल भी रहा था तो वो भी व्लॉग्स बहुत लेट लेट पोस्ट हो रहे थे क्योंकि एडिटिंग का टाइम नहीं मिल रहा था इस वजह से। तीनों क्वेश्चन थे मेरे, उनके मैंने आंसर्स आपको दे दिए। जो 4 नंबर का पॉइंट है, ये आप देख रहे हो, जो 4 नंबर पॉइंट है ये वाला, प्रॉब्लम क्या है, है ना। तो अब नोटबुक रख देती हूँ। तो प्रॉब्लम मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकती, अभी नहीं शेयर कर सकती। टाइम मिलेगा तो एक दिन जरूर शेयर करूंगी आप लोगों के साथ, क्या प्रॉब्लम थी, व्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे थे, है ना। अभी नहीं शेयर कर सकती क्योंकि अभी शेयर करने का टाइम अच्छा नहीं है। तो जिस दिन मुझे लगेगा कि मुझे शेयर करना चाहिए और मेरे व्यूज भी जैसे पहले आते थे वैसे नहीं आ रहे हैं, ठीक है, तो मुझे इस चीज का बहुत ज्यादा दुख है, बहुत ज्यादा। क्योंकि होता क्या, जब आपकी फैमिली बड़ी से छोटी होती है ना, तो आपको चाहे रियल लाइफ हो चाहे रील लाइफ हो, आपको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, है ना। तो मुझे भी बहुत ज्यादा तकलीफ है। तो जो मेरी फैमिली थी वो बड़ी थी अब, है ना। सो आप लोग प्लीज मुझे सपोर्ट कीजिए और अपना प्यार दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को ताकि मेरा चैनल भी ग्रो करे, मैं भी मेहनत कर रही हूँ। हाँ, बीच में क्या हुआ कि मैंने काफी अपना ब्रेक ले लिया, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं व्लॉग नहीं डाल रही थी। मुझे जब भी टाइम मिलता था मैं व्लॉग डालती थी और व्लॉगिंग मैं हमेशा करूंगी, ये मैं नहीं छोड़ूंगी, कभी नहीं छोड़ूंगी, करती रहूंगी। लेट सबेट होता रहेगा लेकिन मेरा व्लॉग कायम रहेगा, व्लॉगिंग मेरी कायम रहेगी, ठीक है। तो बस आप लोग का प्यार चाहिए, आप लोग का सपोर्ट चाहिए, प्लीज अपना प्यार सपोर्ट पहले की तरह बना के रखें। मतलब अगर आप ऐसे हो, जब ऐसे होता है ना तो दुख होता है हर इंसान को। व्लॉग्स देखिए और लाइक छापिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो प्लीज आप लोग मेरे व्लॉग्स देखिए और अपना प्यार दीजिए। और जो लोग मुझे देखते हैं, जो लोग मुझे देखना पसंद करते हैं, वो तो अभी भी मुझे देख रहे हैं, ठीक है। और मैं उनको थैंक यू बोलना चाहूंगी, जो लोग मेरे व्लॉग्स में डेली आते हैं उन सभी को मैं थैंक यू बोलूंगी, बिल्कुल दिल से थैंक यू बोल रही हूँ। तो इसे स्वीकार कीजिएगा, प्लीज अपना साथ दीजिए और सपोर्ट कीजिए, मैं आपसे यही कह सकती हूँ। और मैंने आपको 3 पॉइंट्स के जवाब दे दिए, अभी एक रह गया है, तो वो भी मैं किसी दिन मुझे लगेगा टाइम अच्छा है तो वो जवाब भी मैं आपको दे दूंगी। बाकी तीनों के आपको जवाब मिल गए, व्लॉगिंग मैंने नहीं छोड़ी है, चैनल मेरा चलता रहेगा और ग्रो करेगा। और एक पॉइंट हो रहा था, देखो मैं भूल गई, दूसरा था कि व्लॉग क्यों नहीं आ रहे थे, तो टाइम मैनेज नहीं हो रहा था इसलिए नहीं आ रहे थे। सारे चीजों के जवाब मैंने आपको दे दिए हैं सिर्फ एक व्लॉग में, तो आपको समझ में आ चुका होगा
मैं कहीं नहीं गई हूँ, मैं यही हूँ। आप लोग के प्यार के साथ मैं अपने चैनल में हूँ और रहूंगी। तो प्लीज प्लीज मुझे आगे बढ़ाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के साथ, ताकि आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलती रहे। और लाइक छाप देना। सो मैं अभी आप लोग को डेली रियल लाइफ जैसे व्लॉग मेरे आते थे, अब आपको हमेशा वैसे ही मिलेंगे। और हाँ, कल से नवरात्रि स्टार्ट है, आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं एक दिन पहले ही मैं आपको दे दे रही हूँ। सो मैं कोशिश करूंगी कि मैं डेली रियल लाइफ व्लॉग अपने पोस्ट करती रहूं, और प्यार दीजिएगा अपना, बार बार कह रही हूँ। सो आज का वीडियो पसंद आए तो लाइक छाप देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलती हूँ अच्छे से प्यारे से नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल गाइज। अपना ख्याल रखना, खुश रहना, और माता रानी की कृपा आप सभी पे बनी रहे। बाय बाय, टेक केयर।